है भाई, ओ कैप्टन कल्पा वेव, कैप्टन आ गया भाई फाइट में। पर जान यहाँ पर दो है यार, ये बॉस नॉन प्योर, नॉन वाइट था और पर है। ले वो गया। ये क्या है? क्या है? अच्छा। ओके। अलग किधर जा रहे? Lovely। ये कौन है? Come, come down and join us, lovely। Hello and welcome everyone to our channel। So हम आ गए हैं एक और वो कॉम के एपिसोड के साथ। लेकिन you guys don't have to worry about, you guys just sit back, relax and let's jump right in। Okay, so यार ये मॉन्क्स काफी सारे इधर घूम रहे हैं। दो रास्ते हैं ब्रो, लेफ्ट भी है और राइट भी है। राइट चलें, इनको इग्नोर करते हैं। टीम दे रहे हैं और डायरेक्शन दे रहे हैं, वो लेफ्ट का भी दे रहे हैं कुछ नहीं, क्या राइट का ही दे रहे हैं। राइट ही हैं सारे। तो कुछ टेंपल शेंपल है हाँ, और आगे कुछ खराबी लग रही है मुझे। ये वही थंडर क्लैप टेंपल तो नहीं है जिसकी वो बात कर रहा था अभी, फॉक्स वाला? यस हो सकता है। क्या बोले, वो देख यार क्या सीन है, मतलब माउंटेन्स के बीच में टेंपल्स, लेट्स गो। ओके, ये कोई बॉस फाइट लग रही है मुझे और रास्ता ब्लॉक्ड है हमारा बिल्कुल। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, किससे हमारा कौन है भाई? ओ कैप्टन कल्पा वेव, कैप्टन आ गया भाई फाइट में। पर ये लड़ेंगे किससे, मारने? ये क्या कर रहा है? ओ जुड़ रहा है। ओके आ गया भाई, भाई आते साथ ही आप सुस्त रहे, थोड़ा सोते रहे, हम आपको आग लगाते हैं। आपने कोई जहमत हो आग लग गई है कैप्टन कल्पा को, और छलांगे मारने लगे हुए हैं ऐसे। ओ भाई, ओ भाई कैप्टन, हेलो हेलो, ये क्या डैमेज दे रहा है? वो खून के स्प्लैटर्स आ रहे हैं, इसकी गर्दन भी नहीं है भाई। ये देख। ओ भाई क्लाउड बर्स्ट, ओए नाइस शॉट, बड़े बड़े, वो गिर गया। ओहो, ये तो खून फ्लो कर देता है हमें, इसके पडल में जाओ तो खड़े नहीं होना। ओ फिर आ गए, चल भाई आजा। थोड़ा तो मंकी ब्रो, और अब सर गिर नीचे, चढ़ जाओ ऊपर, अरे चढ़ जाओ ऊपर, ओ भाई चढ़ जाओ ऊपर, पागल कर दिया उसको। सबसे नेक्स्ट लेवल एबिलिटी है यार ये प्लक ऑफ मंकी। योगुआ था ये, योगुआई जिसको हमने फारिग किया। ओके। ओ ये क्या है? ओ स्पिरिट मिल गया इसका, नाइस यार। पर ये गोल्ड स्पिरिट हमें कोई वो नहीं देता, ये की आइटम है, होता है कि कोई जगह खोलता है ये। फ्यूचर माइंड को मटेरियल मिल गया है। क्या भाई तुम लोगों का काम हो गया? चलो भाई टेंपल में चलते। ये देख, द स्पिरिट ऑफ कैप्टन कल्पा वेव की आइटम। अब लेफ्ट भी है राइट भी जगह, ये भी चेक कर लेते हैं, फिर टेंपल में चलते हैं। लेफ्ट राइट कुछ है, काफी बड़ा टेंपल है यार ये, यहाँ पे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, सच कुछ नहीं होने वाला। उस साइड पे भी देख लेते हैं जल्दी से। ओए होए होए यार, आर्किटेक्चरिंग देख जो उन्होंने बनाया है, जिस तरह का एक एक चीज डिजाइन हुई हुई है। एवं तो नहीं 4 साल लगे उनको ये गेम लॉन्च करने में, कुछ भी नहीं है। सो लेट्स सी के टेंपल के अंदर क्या है। अनदर बॉस फाइट, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अनदर बॉस फाइट बिल्कुल। पर चलो ये बॉस क्लियर कर लिया तो एटलीस्ट हम वापस रेस्ट पॉइंट पे, अगर मरते हैं तो रेस्ट पॉइंट पे जाके डायरेक्ट फिर इसी से लड़ेंगे आगे। आई थिंक सेफ पॉइंट होगा, नहीं यहाँ पे बॉस फाइट। न्यू थंडर क्लैप टेंपल, मैंने कहा ना वही थंडर क्लैप जो भी वो बात कर रहा था,
फॉक्स वाला सेव पॉइंट होगा इधर आई थिंक। किस किस नस्ल के स्टैचूज बनाए हुए हैं इन्होंने? ओ ये है ना सेव पॉइंट, वाह। ओ मिस कर गए, शुरू में ही छोड़ के आ गए हम लोग। नहीं इग्नोर पे रखो, इसके बगैर ही जाके मारेंगे। शुक्र है वापस आ गए, वरना आगे कुछ होता तो हमें बहुत पीछे से आना पड़ना था। रेस्ट करते हैं, और ये मेरे ख्याल से थंडर क्लैप टेम्पल खुल गया है न्यू वेस्ट में यहाँ पे। हाँ ये देख रहे हैं, ये नई जगह खुल गई है, टेम्पल एंट्रेंस। जाहिर बात है वहाँ पे कोई बॉस होने वाला है, जिसका उसने कहा था कि टेम्पल का लीडर वो बन गया है, और हम जल्दी से क्विकली लेफ्ट राइट चीज़ें देख लें। बिल पड़ी है आगे, और वो भी चोमू भी है ऑक्टोपस। ओ भाई रोस्ट इफेक्ट लगा रहे हैं हमें सारे। बे यार ये मुझे दिमाग खराब कर रहा है, ये बर्फ के गोले उठा के मार रहे। ओ हो ओए यार, इंसान बन जा, इंसान बन जा, चल मर जा। देखता हूँ, ओ स्लो कर दिया, लास्ट स्पॉट है। ओ देख हील कर ले, मैं फ्रीज कर दिया हमें। ये जो साले चूचे फिर रहे हैं ना इसके साथ, ये फ्रीज कर रहे हैं ब्रो। सीरियसली बॉयज बस करो। चलो भाई निकलो, टाइम वेस्ट मत करो। चलो ये तो गए, ये क्या कर रहा है भाई इधर। ओके विल अब्सॉर्ब करते हैं। लेफ्ट पे कुछ है सीन, यहाँ पे कुछ है, और यहाँ पर देखते हैं चल के क्या सीन है। नहीं हम एंट्रेंस पे आ गए वापस। हाँ बस खत्म हो गया, हम वेल ली थी सिर्फ। हाँ वेल ली थी। ओके ओके, तो इधर से टेंपल से होके हमने आगे क्रॉस करना है, टेंपल की एंट्रेंस है अभी सिर्फ। यस राइट, सो आगे जाके देखते हैं और कौन ये अंधा खड़ा हुआ है। इग्नोर पे रखते हैं इसको। ये कौन चार खड़े हुए हैं, इनकी क्या, इनका क्या सीन है? ये मुझे डेंजरस लग रहे हैं चाचा। वो देख, वो थंडर डैमेज, थंडर रेजिस्टेंस तो हमारे पास है। चलो भाई तो आप लोग ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकते हमारा। गयो दो उधर भी हैं, आ जाओ। ओहो क्या बात, अदूकन मारने लगे भाई, स्ट्रीट फाइटर खेल रहे हैं साले। चलो भाई मर जाओ। गया, ओ बच गया। अदूकन अदूकन मारने देंगे। निकल। ओके टेंपल के एंट्रेंस से होते हुए हम ऊपर। काफी ज्यादा इनको मिस कराते हैं। एक और भी अन्ना खड़े, ये सारे डिफरेंट लेवल के अन्ने खड़े हुए हैं यहाँ। भाई लास्ट शॉट, और ये गया, ये भी गया अंदर, फिर वही सेम चीज है, और टेंपल आ गया है। अभी क्रॉस हो गए, कितने ज्यादा है यार ये, और ये लोग खड़े हैं। मैं इग्नोर, ओ बॉस चोमू ब्रो, क्या नाम है टीम का? बॉस नहीं है, बॉस नहीं है, और ये आग लगा रहा है साला। इसको भी हम भी आग लगा देना फिर। चल भाई आग वर्सेस, ओ ओ ओ यार ये बच्चे भी आ गए। एक हाथ है नहीं साले का, टांगे देख चार, फिर वो छोटे वाले हमें मार दे रहे हैं। हेल्थ गई हमारी। यस चल भाई, अरे दस्ती पीछे चला जा रहा है, ये कर ले। चल भाई फ्रीज इफेक्ट का वेट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अबे ये कौन चोमू भी तो साहब है आया भाई यार। चल चल फ्रीज बुला, आ जाओ बच्चों। उसने बच्चों को इंटरप्ट कर दिया यार, लड़ी है हेल, इनको पहले ही मार के आगे आना चाहिए था।
मैंने क्या इग्नोर पे रखते हैं पर ये चौड़े हो गए अब चाचा चार्ज करने का मुझे अबे वो साथ नहीं लेने दे रहा क्या सीन है तेरा और ये वो है इसके अंदर से सोल स्पिरिट मिलेगा मैं इसीलिए हैवी हूं यार इसको तो मैं पहले देख लूं मेन चीज से मारना था हील कर हील कर ये चीज आए गया थोड़ा सा रह गया बेटा रह साले चल साले भाई रो चल ये तो फारिग दूसरा किधर है भाई वो रहा वो अच्छा वो वेट कर रहा हम जाएंगे उधर हम ही जाएंगे अब नहीं लगा गंजे पैटोस भाई लेट गए हैं ओए होए होए डैमेज दे रहा है यार क्लाउड बस का वो देख उसको लगा हो गया साला क्लाउड स्टेप ने बड़ा कमाल किया यार इधर वॉच करके उसको हम निकल गए थे और ये है क्या वो नहीं आए अंधे नहीं आए वो ये आंखों वाला है ना इसने देख लिया है वो जो अंधे थे वो नहीं आए स्पिरिट भी हमें नया मिल गया चार टांगों वाली बला पता नहीं क्या थी एक हाथ और चार टांगे ले दो क्ले वज्रा ओके चलो भाई आगे यार पीछे कोई सेव पॉइंट तो नहीं है नहीं, वो तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आगे कोई बला आएगी तो मसला हो जाएगा यहाँ पे क्या है वहाँ पे देख रहे कुछ उतर रहा है सीढ़ियाँ नीचे ये हदुकन वाले चाचा खड़े हैं किसी काम के नहीं है बेकार कोई टेंपल टाइप है ओके वहाँ पे भी कुछ खड़े हैं क्या करें यहाँ जाए या वहीं जाए सीधे ही जाते हैं चल उधर जाके देखते हैं ऊपर जाके क्या ये रास्ते बाद में एक्सप्लोर करेंगे जब आगे वाला बंद हो जाएगा तो हमें पता है कि ये रास्ते हैं मोस्ट पीछे कोई खड़ा हुआ है देख रहे हैं वो देख वही वो बड़े टायर वाला जिसको हमने उधर मारा था बिल्कुल ये लाइन से काफी ज्यादा बॉस वगैरह नहीं आने लग गए ओके सुबह चार लातों वाली बला की हमें मिल गई थी भाई जान यहाँ पे दो है यार ये इनसे लड़े इनको इग्नोर करें क्या करें नहीं मारना तो पड़ेगा उसके बगैर नहीं है जा सकते तो मैं सिर्फ सेव पॉइंट हो जहाँ पे कोई और अंदर खड़ा हुआ ओ बॉस नॉन प्योर नॉन वाइट था और अब ये नॉन प्योर आ गया क्या भाई क्या चल रहा है यहाँ पे मेडिटेशन है हाँ मेडिटेशन भी है यहाँ पे भाई आग लगा दे इसको ओ ब्लॉक कर रहा है आग ब्लॉक कर रहा है आग नहीं ब्लॉक कर सकता लग भी जलेगा ब्लॉक करेगा तो जलेगा साले भाई फुल जलो जल हो रहा है जलता रहे तू ब्लॉक करता रहे हम ठीक है वो वोट मारी अच्छी भाई ने वापस आ गए हम भाई शुरू ही हो गया यार ये ब्लॉक इतनी बचता भाई ये ब्लॉक कर माल यार ये ब्लॉक कर ये ब्लॉक कर साले पॉइंट मिल गए एक दो पॉइंट ओ सोल भी मिल गया है इसको भी ला सकते हैं हम स्पिरिट आ गया है वाह ओके मेडिटेशन भी करते हैं यस पॉइंट भी मिल गए हैं वो भी लगाते हैं जरा हेलो मेडिटेट चलो भाई खुद आगे आगे मेडिटेशन कर रहे हैं लेट्स गो वो खड़े हुए हैं साइकिल के टायर लेके पीछे खड़े हुए हैं ये पंचर लगाने वाले क्या सीन है तीन पॉइंट्स हो गए कैसे यार तीन पॉइंट्स हो गए हैं देखते हैं ब्रो ये क्या कर रहा है मॉडरेटली इंक्रीजेस डैमेज रिडक्शन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन आफ्टर परफॉर्मिंग रॉक सॉलिड अच्छा मुझे लगता है यार इट्स टाइम कि हमें कोई और सोल भी लेना ही पड़ेगी इन लोगों के लिए रिकवरी स्पीड ऑफ माइट
फिलहाल पॉइंट्स ऐड करते हैं इसमें, करें प्लक्स को और बढ़ा दें। हाँ ये सही, लेकिन हमारा माना ज़्यादा ले गए यार, हम इसमें भी तो नहीं लगा रहे, लाइट अटैक स्टार्टर इमोबिलाइज में, स्टाफ स्टैंस में ये रहता है, ये भी ले ही लेते हैं। एक आखिरी हमारा स्टाफ स्टैंस पूरा हो गया, बिल्कुल फुली कंप्लीटेड, लॉक्ड एंड लोडेड। ईच चैलेंज लेवल मॉडरेटली रिड्यूसेस आवर स्टैमिना, चार्जिंग स्पीड तेज कर रहा है। नहीं, अब हम पिलर स्टैंस की तरफ भी साथ साथ बढ़ते हैं। यस, स्टील पिलर। चल भाई, मिस्टिसिज्म, और हमने इसको भी बढ़ाना है यार। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में भी एक भी पॉइंट हमने ऐड नहीं किया। ट्रांसफॉर्मेशन बड़े काम आती है हमारे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की हम लेंथ भी इंक्रीज कर सकते हैं कि वो जल्दी ख़त्म ना हो। बिल्कुल, चलो बहुत जगह है पॉइंट्स लगाने के लिए, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है थोड़ी। अच्छा ये साइड क्लियर कर लिए, सेव पॉइंट नहीं मिला हमें। हाँ। मैं सिर्फ ये इस चक्कर में हूँ कि सेव पॉइंट हमें मिले, पहले इनको मार सालों को, ये फ्रीज करते हैं, स्लो कर देते हैं, एक और है, इसको भी मारते हैं, चलो खत्म। अच्छा बैठे रहते हैं जब तक मारो ना, तब तक हिलते नहीं है साले। सेव पॉइंट कहीं पे भी नहीं है यार। ये एंट्रेंस हम इनको मारे बगैर नहीं जा सकते आगे क्या? नहीं। ओके आ जाओ भाई फिर। चलो भाई आर्मी आ जाओ। ये क्या हुआ? तुम लाते मार रहे ब्रो। चल 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 चल, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। वो इतना लंबा डैमेज दे रहा है यार, इतना दूर थे हम लोग। ओ स्टैमिना खत्म, स्टैमिना तो लगता है नीचे गिरे गए। वो वहां से पत्थर मार के गिर गया, गिर गया नीचे गिर। ओ शिट यार, इस पे भी डैमेज, गिरते हुए भी डैमेज देता है साला गंजा। मार सर पे इसके, एक और। ओए पिलर स्टांस ही मारा यार। ओ पीछे से उसने मार दिया यार, उसने आग भी लगा दी है। ग्रीन आग कौन सी लग रही है भाई? आग लगाते हैं हमारा आने वाला ट्रांसफॉर्म का टाइम आ जाए। ट्रांसफॉर्म आ गया, चल भाई ट्रांसफॉर्म कर ले, एक तो खत्म करें। ओ दे तालियां बजा रहा है, उसको मार रहा है। चल साले एक तो मारो। नहीं यार इतने बड़े हैं, इतना एरिया अफेक्ट कर देते हैं। बच 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 गए, ये गया 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 गया। नहीं वो ऊपर तो कोई स्टैचू तोड़ दिया उसने। नहीं नहीं उसने पत्थर मारा तो उसको लग गया। कर क्या रहे हैं आपस में, लड़ रहे हैं। नहीं यार अभी भी रहता है, उसको आग भी नहीं लग रही है, पता नहीं है? इनको आग नहीं लगती। हम अपनी वापस फॉर्म भी आ गए हैं, पर इनको कुछ। चलो एक मार गया, दूसरा किधर है? देखिए सर बिना गिरे दूसरा वापस जाके खड़ा हो गया वहां पे, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे वापस। ये सही है, एक को मार दिया, एक रह गया, वन मोर टू गो। और उसके बाद यार काइंडली ऊपर कुछ सेव पॉइंट होना चाहिए। फ्रीज इफेक्ट आ जाए, आ गया हमारे पास। चलो भाई इसको पेलते हैं थोड़ा सा जब तक फ्रीज रहे। अच्छा अब हम ये देख रहे हैं हमारे फोकस बार्स जो बढ़ रहे हैं। हाँ। ये उससे ज्यादा भी बढ़ रहा है, मतलब वो देख रहे हैं वो एक और वो बढ़ना शुरू हो गया। यस कमाल हो गया यार, आर्मी आ जाए यार, बस आर्मी का वेट है। वो गिर गया, आ जा आर्मी आ जा, मार सर पे साले के। आ गया आर्मी। ये देख ये देख ये देख, हमारा ये जो मीटर फुल होता है ना, उसके बाद अगर हम लो ये चार्ज हो गए मारता। ओए बच गया। आर्मी बुला ले। बच बच बच, पागल हो गया। फ्रीज भी आ गया हमारे पास। नहीं फ्रीज नहीं यूज कर सकते, माना खत्म हो गया। बस अब ये गया, आर्मी पूरा कर देगी इसको। चलो भाई चल निकल चूची। चल भाई अब हमारे पास माना शाना कुछ भी नहीं है, अगर आगे कोई आया मैं वेट है ऊपर चलते हैं। अगर आगे कोई आया तो बस फिर सीन बैड ही है। इस साइड में तो नहीं है कोई सेव पॉइंट वगैरह, कुछ नहीं है वहां पे, कोई खड़ा है
ओके वही है गंजा है क्रेटोस है क्रेटोस नहीं है ये वो ओ ये जो ऊपर मारे था हमने लाइट वाला ये हडूकन वाले स्ट्रीट फाइटर वाला बाबा चलो भाई ये भी मर गया ऊपर जाते हैं जल्दी से विल पड़ी है विल ले लेते हैं विल हमारे पास काफ़ी हो चुकी है अगर हम कोई चीज़ें बनाना चाहें मेडिसिन वगैरह तो उसके लिए काफ़ी काम आ रही है और ये अच्छा है कि हम मेडिसिन वगैरह अनलिमिटेड क्राफ्ट कर सकते हैं इसलिए क्योंकि हमने रेसिपीज़ वगैरह भी ले ली हैं और हमारे पास विल वगैरह भी बहुत ज़्यादा है मटीरियल भी चाहिए होता है सिर्फ मेडिसिन सिर्फ विल से नहीं बनती लेकिन एटलीस्ट विल की टेंशन से हम बचे हुए हैं और ये टेंपल थंडर क्लैप वाला जो है ना इधर जो बॉस होने वाला है ना उस्ताद वो मुझे लगता है कि पहला हार्ड बॉस होगा चैप्टर 3 का ये आ गया सेव पॉइंट तो यार हम ऐसे इनको इग्नोर करके सीधा ऊपर जाके भाग के सेव भी कर सकते थे जस्ट इन केस पर चलो कोई बात नहीं वी टुक द हार्ड वे रेस्ट करते हैं क्योंकि आगे डेफिनेटली बॉस आने वाला है ये हमने खोला है महावीरा महावीराज हॉल ओके हॉल की तरफ जा रहे हैं अब हम लेफ्ट राइट ऊपर ही है देयर इज नथिंग लेट्स गो इनसाइड एंड मीट द बॉस अरे भाई छोटों को मार मार के हम तंग आ गए कोई नया बॉस दिखा मेरा मूड बने चल भाई टेंपल खोला सालो कौन है ये स्टाफ वापस निकाल ली कौन है साला जो हमसे पंगा लेगा क्या होने वाला है भाई कुछ गलत ही होने वाला है फीलिंग अच्छी नहीं आ रही ओ वही खड़ा है ये इधर ages ago Chimchazi and I were peers ever questing with ever goodwill questing he was His nature made him question the supremacy of us beyond mortal woe and grief. Acha. He deemed all souls could be akin to us. Okay. Why then do we tower? Others merely kneel and offer. He asked. I told him the others are less than us. His misstep cast him back into the endless cycle. Reborn, he drew three disciples. But what did they change? One ended up a corpse. Others fugitives. He too took to the shadows. Pathetic. Those journeyers have misplaced their worship. Why bet on the sutra? When one oneself can be a Buddha. ओ भाई ये खुद बुद्धा बनने निकले हैं तो कह रहा है भाई मैंने उसको कहा कि हम लोग बाकियों से ऊपर हैं kneel before the Buddha of the future yellow boro yellow bro ओ भाई इधर लड़ना है इससे आ जाओ आ जा थैला पकड़ा हुआ है ये भी थोड़ा स्लो है ओ ये क्या मूव मारी है भाई पीस दिया हमें अंदर ओ चिपकाया हुआ है अंदर उसने फिर मारेगा बात छोड़ दे बेटा बस करो बस क्या हो गया कुछ बातें बाद में करी चाचा पहले लड़ ले चाचा खेले ही नहीं जा रहा क्या मारेगा यार फिर आग लग गई अटैक चला गया भाई उसे तो फिर गायब हो गया ओ ये कोई नया अटैक मार रहा है भाई पिछली दफा तो ये नहीं मारा था चल भाई इधर लेस चाचा फिर गायब चाचा डिसाइड कर ले किधर रहना तूने फ्री इफेक्ट आ गया ना ये क्या मार रहा है
हिट किया भाई। ओ बच गया। ओ ये क्या अटैक। चाचा लाइट शो कर रहा है, पहले कॉन्सर्ट्स में लाइटिंग करता था। ओ बिजली वाले बिजली का लगता है बिजली का काम करवाना चाचा को बुला देता। डैमेज हो गया यार, फ्रीज कर इसको, मार यार। इतना वेट करें हम लोग, चल मारता है, बुला ले। गिरा नहीं चाचा, चल भाई हमारी आगे। ओ साले यार, मरे ना मरी ना मरी ना मरी ना मरी ना मरी ना मरी ना मरी। एक चांस बच गए। क्लाउड स्टेप ले भाई, उठ, टाइम लेगा हील होने में। ओए आर्मी से लड़ भाई, मारी आर्मी लगी है उसको पहले। ओ देखो आ गया हेल्थ, कोई मसला नहीं है। क्लाउड स्टेप है हमारे पास। शिट यार, तेज हो गया, तेज हो गया। चल चल फ्रीज मार इसको, आ जा साले। अब क्या होगा तेरा, एक उसी शॉट क्यों नहीं हुआ। हाँ ये वाली ना ये काम करती है, ला देती है अगले को। ये मार क्लाउड स्टेप, खत्म कर इसको। ये चीज क्या, ये क्या, अबे मार तो दिया वो फिर गायब। अबे पावर खत्म हो गई उसकी, क्या कर रहा है उसको। नेट फूल है, मर रहा ही था आई थिंक इससे। नहीं नहीं कट सीन है ब्रो, हमने तो मार दिया। सैक ये क्या, वो सैक में वो थैले में बंद कर रहे हमें। लाइटमेंट मैं लैंटर्न बना के उड़ाने लगा। लैंटर्न नहीं, वो अपने थैले में बंद करने लगा। कह रहा हूँ थैले में आ, तुझे मौज कर रहा हूँ। क्या बकवास है यार, इतनी मुश्किल से मारा है इसको। ये क्या है, सब कुछ स्लो मो हो गया। चाचा थैले के अंदर देख रहा है हमें और हमें अंदर बंद कर दिए थैले के। चेक कर यार उफ, लाइटिंग देख। ओ कोई हेल शेल में फेंक दिया उसके अंदर, आ गए थैले में, आ गए के अंदर आ गए हम। अब यहां से कितना बाहर आएंगे। क्या बकवास है, इधर बॉस फाइट कंटिन्यू हो गई है। क्या चक्कर है भाई। वो देख, वो उस बंदर को भी बंद किया हुआ है, वो इसको भी बंद किया हुआ है। चलो भाई यहाँ पे अलग सीन लगा हुआ है भाई। हम यही सोच रहे थे ये किधर है, ये साले को कैद किया उसने। चलो भाई इसको तो पहले मार दे। Exactly much more vicious than before. Nurturing such evilness. Yellow Brow must have woven Wukong's strength into it. That bastard. Join me. Join me. Let's fight our way out. अब तो बेटा तुझे ऐसा टेलेंगे ना। बंदर कहेगा कि मैं ना ही हूँ। ट्रांसफॉर्म कर ले इधर। उस पे चला गया साले आग। काफी ज्यादा है यार इसकी हेल्थ। अब नहीं बचता, अब नहीं बचता। दिस इज द ओके, हम उसके बीच में आ गए, उसके वो भी नहीं मार। ओहो एंगेज कर ले। ओ
प्लीज आए ना फिर आने बुलाएं। अरे क्या शॉट पड़ी है बिना बुला बुला। चल फ्रीज कर इसको। आ जाओ आर्मी वालों पे। आती आर्मी हमारी तो चली गई उसके पास। वो कह रहा वो भी मरेगा तो हमारी ही हेल्प है। क्लोन है उसमें उनका ना, लेकिन वो उसको मार रहा है ना। फेक नहीं वो क्लोन है। हाँ हाँ चल 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 हेल्थ थोड़ी सी रह गई। फ्रीज आ गया तुम्हारा। मार फ्रीज खत्म ना भाई बचते ही नहीं। मार सर से डंडा इसके। इधर बोरी फट जाएगी। देख अपना स्टाफ इसके ऊपर रख के दबा दी उसको। उसी की ब्लेड से ओ वैसी हो गए हम। दो मिनट में मतलब सख लौंडा वो गई मार दे। खत्म कर दिया भाई चीफ को हमने। यार कट सीन अच्छा था। चीफ गया यार। ये तलवार हमें दे दो जरा, हम तलवार से लड़े स्टाफ के बजाय। ये क्या हो रहा है? खेले ये क्या? Yes. Just like that. That's who you are. Keep your wits, boy. Don't get swayed. क्या सीन है इसका? क्या ये हम ये बन गए? वो बाहर निकाल रहा है। Let me quench your thirst. Quench your thirst for blood. भई हम बन गए। हम क्या वो बन गए? हाँ ट्रांसफॉर्म। मकाओ ट्रांसफॉर्म हुए मकाओ में या जो भी है। आई थिंक निकलने का कोई तरीका होगा शायद। स्टैचू बना दिया। ओ चेंज हो गए हम लोग। उसने उठा के अपना वो जो टेंपल के अंदर वो स्टैचूज वगैरह वो गिफ्ट वगैरह वो जो नहीं रखे हुए थे बड़े से वो बनाए हुए थे। हाँ वो देख उसमें डाल दिया हमें और हम ये बन गए हैं। चलो लेट्स गो। ये क्या मूव्स है भाई? मैंने अभी कहा था तलवार से खेलने दो। लेट्स गो भाई कुछ और मांग लेते हैं। ठीक है भाई मारते हैं इनको। सारे वैसे ही बनेंगे। You must be retired. Now you have introduced your karma in the cycle. चलो गया। बे क्या हो रहा है? वो देख उसको देख। मार साले के। Buddhahood, enlightenment. स्वॉर्ड बड़ी अच्छी है यार इसकी। मजे की है स्वॉर्ड से खेलने का मजा। वो देख वो भेज रहा है कट्स जा रहे सीधे। हाँ यार काफी अच्छी है यार स्वॉर्ड वाली। कहाँ जा रहे यार? वो देख The minds of the Buddhas are empty. Yours is now likewise. Ooh! A core transformation phase ho gaya. Rings aa gaye na apne. Bicho, chal kaise rahe yaar? Wo khilone nahi milte the. Chabi wale. Chal 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 kidhar ho bhai tum log? Maar ke leke aa rahe kitne si. Let go of the arm, they say. Can you blade sabhi beech ho gaya
जा रहे हैं भाई वापस ऊपर, कहीं तो जा रहे हैं। उसने हमें अपने डॉल हाउस में बिठा दिया है भाई। माल कमाल, यहाँ पे कुछ होगा दो येलो ब्रो। ओ अब आगे फिर ओ भाई कुछ छोटा हो गया आगे, ये छोटा बड़ा यही होता रहता है। फाइनल टाइम है इसका, क्या चक्कर है? ओ वापस ट्रांसफॉर्म। ओ ये क्या है, गोल्ड का हो गया। तांबा बेबी डॉल में सोने दी। ओ यार बिजली मार रहा है भाई। वापस आ गए हम, चल भाई। मैं उसको लग ही नहीं रही तांबे का हो गया वो, देख। शिट ये क्या है यार, आए लगी नहीं लगी, हेल्थ तो नहीं गई ना। वे क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहा है भाई, इधर कैसे मारेंगे इसको, उसको तो लग ही नहीं रही, वो लोहे का बन गया। ओके सो लेट्स गो, लेट्स सी के क्या होने जा रहा है। हमने स्टैंस अपना चेंज कर दिया, हमने पिलर स्टैंस में सारा डाल दिया, क्योंकि ये मोटा जो है जब ये बेबी डॉल में सोने की बन जाता है तो हमारे लिए टेंशन हो जाती है। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये बन गया, तो आपको हैवी अटैक्स इसको लॉन्च करने होते हैं तब तक जब तक इसकी ये गोल्ड टूट ना जाए। मसला ये है कि अभी तो फ्रीज इफेक्ट काम कर रहा है, दूसरे और तीसरे फेज में बॉस के स्टैक काम नहीं करता। और जैसे ये गोल टूटता है आप इसको फिर पेलना शुरू कर सकते हो। मैं थोड़ा सा होल्ड करूँ, स्टेमिना आ जाऊँ, क्योंकि डॉज भी करना होता है इसको। ये मारा रेंज कहाँ से इतनी ले आया, खोती है बच्चे। फिर शुरू हो गया। अब इसके मूव्स डॉच करना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये पहला फेज खत्म हो गया, पहला फेज खत्म होने का मतलब है ये अटैक आपको लाजमी इसका लगेगा और ये आपकी हेल्थ चली जाएगी। मतलब कट सीन चलेगा ये वाला और ये आपकी हेल्थ लेके जाएगा, और उसकी वजह से ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको बोर्ड यूज करना पड़ जाता है। और ये दो दफा करेगा, अब ये फेज टू में चला गया राइट। अभी ये हमें गॉड लेना पड़ेगा और ये अभी फिर से इसको हम गोल्ड का बनाएंगे जान के, ताकि इसको हम मार सकें और इसको उस जगह पे ला सके जब ये अटैक हम कर सके। अच्छा गायब हो गया साला, आ जा बेटा आ जा। I saw some promise with him. Adam, I see me. चल निकल, चल भाई गया। ओ एबिलिटी भी है ना हमारे पास, पॉइजन वाली, तो दूर वाला स्टेमिना नहीं है। स्टेमिना रिकवर करेंगे और उसने बंद कर दिया हमें, यहाँ पे ये रिंग में बंद कर देते हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते। और इससे डॉज करना होता है हमें, डॉज करना आसान है पर बिला वजह का रिंग में बंद करके स्वैग दिखा रहा होता है अपना साला। चलो भाई अबे यार, फॉर दिस इज द मोस्ट अनोइंग पार्ट, कि अपने आप को गायब करके उधर ले जाता है जब उसको लगता है कि मुझे पढ़ने वाली है मोटे हट। चल भाई चल 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 चल, अब इसका गोल्ड का इफेक्ट खत्म करना बहुत जरूरी। ओ फिर क्राफ्ट कर दिया मैं, गोल्ड का बन गया। अभी ये दूसरे फेज में जब जाएगा फिर हमें एक शॉट मारेगा जिससे वो हमारी हेल्थ लेके जाएगा और हमें फिर से ओए शिट यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है,
इजी। ओह भाई दूर अटैक मार रहा है यार। हो जा भाई खत्म, पीछे मारेगा। यस ओ भाई तेज कितना हो गए, हील कर ले। चलो भाई चल ओए बे, हो जा भाई खत्म। गोल्ड वो गायब हो गया साला, जहाँ पे उसको लगता है ना इसको पढ़ने वाली है गायब हो जाता है। डायलॉग्स मारने के लिए खत्म हो जाता है। अच्छा वो खुद ही खत्म कर रहा है ये मूव, जब वो मारता है तो उसका गोल्ड खत्म हो रहा होता या वी करीब होता है खत्म होने के, तो वो खुद खत्म कर देता है उसको जल्दी। अब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे वुल्फ में और इसको खेलेंगे। चल जा रहे हैं फेस चेंज कर ले भाई, क्या सीन है। हील कर लूं मैं क्योंकि वो हेल्थ ले जाएगा हमारी। यस फेस 3 आ गया और ये फेज में ये पागल हो जाता है, ही गोस क्रेजी। फिर से हमको शॉट मारेगा, फिर से हमारी हेल्थ लेके जाएगा। बट इस दफा हमारा पॉइजन जो है ना स्पेल है, पॉइजन वाला नहीं दूसरा है, क्रिटिकल हिट वाला जो उसके डैमेज बहुत हैवी डैमेज वाला है, जो डैमेज इसकी बढ़ा देगा। अब ये दूर है, हमने गॉड लेना है और उसके बाद इसको ये अटैक मारने की कोशिश करना है जो इसको लग जाए। अभी वो वापस अपना वो बड़ा वाला अटैक मार रहा है, अच्छी बात है हमारे लिए क्योंकि हमारे लिए दूसरी एबिलिटी यूज करने का टाइम मिल जाता है। सो अब हम यूज करेंगे स्पेशल एबिलिटी, ये पड़ी उसको डैमेज देगी राइट, उसको वीक करती है बहुत ज़्यादा। अभी ये जो अटैक्स मारेगा ये झाड़ू झाड़ू फेरना शुरू कर देता है जिससे आपको बचना बहुत ज़्यादा। फुल झाड़ू फेरता है ब्रो ये, annoying as fuck ब्रो। अभी ये धमाका मारेगा, उसके बाद ये उठा के मार, नहीं मारा तो बच गया। बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, इसको गोल्ड का करता हूँ। वो देख कहाँ कहाँ से घुमा के ला रहा है साला। अब हम खड़े हो जाएंगे, इसके आने का इंतजार करेंगे कि ये करीब आएगा। तो ये एक पड़ेगी इसका, शिट ओ बच गए हमें, तो नहीं पड़ेगी ओ गोल्ड। अच्छा नहीं, हमने एक शॉट पहले से मारी था, एक शॉट मारनी पड़ती है। अब हम फिर दूर चले जाते हैं और खड़े हो जाते हैं कि ये आएगा आगे। ओके मार साले गया, अब ये गया। इस वजह से गोल्ड स्टैंड्स लेना बहुत जरूरी है, पिलर स्टैंड्स। राउंड शॉट्स काम ही नहीं करेगी, बहुत आला इजी है। हमारे स्टैमिना खत्म हो गया है, हमें वो बच गए पीछे जाना है ताकि ये टाइम ना लगे हमें ये चीज़। और ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं ना उसके बाद, हम अपने स्टेमिना और ज़्यादा वो करेंगे। ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, थोड़ा सा और लोडिंग है। चल भाई आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सो लेट्स ट्रांसफॉर्म। अब इसको एंड फिनिश दिस स्टूपिड शिट, आग लगा दें। ओए वो घुमा रहा है, पीछे हो जाओ यार, इधर जरूरत ही नहीं है, खैर है हमारी हेल्थ नहीं जा रही ना। आग लग गया मारेगा, नहीं मारी आग लग गई है। और इसका पेड़ा गरक गंजे दत्त का करेंगे हम। ओ फ्रीज इफेक्ट, पहले शॉट मार लेता अब फ्रीज बनता था, नहीं करना फ्रीज, नहीं करना इसको साले को, ये झाड़ू फेर रहा है। अभी ये खुद हमारे पास जब आएगा तब हम इसका बेड़ा गरक करेंगे। ये मूव इसने मार दिया है, रहेगी तो मार देते हैं यार। और इसने हमें पकड़ लिया, ओके ओके। वर्ड यूज कर लेते हैं, एक रह गया लास्ट और अब वेट कर। ओहो कम ऑन ब्रो, खत्म हो गया था। अब हम वेट करते हैं कि आई आगे इसको
ये अब पड़ेगी ना जो इसको एक और पड़े एक और चाहिए ओ शिट यार बोर्ड ले लिया हमने अब ये हट गया उस फेस से सिर्फ इसका और हमारा मुकाबला है इस जगह पे स्टेप ओवर नहीं कर सकते हम क्योंकि अगर हम करेंगे तो पूरी फेल रह गई यार एक तो शॉट की मार है बहुत कॉशियस हो गए खेलना पड़ेगा हमें अगर हमारा ट्रांसफॉर्म एक दफा और आ जाए यस आने वाला है वैसे तो हम इसका बेड़ा गर्क कर सकते हैं खड़े होते ऊपर इसको आगे आने दे आ जा नहीं नहीं अभी ना आहिस्ता आहिस्ता अब जरा ये चार्ट होगा अब आई जरा ये गई है ये अब इसी तरह का एक और डंडा पहन तो उसने फिर हमें कैद कर लिया कोई बात नहीं इस मूव की कोई बात नहीं है क्योंकि हम डॉज कर सकते हैं इसको चल ट्रांसफॉर्म आ जा कर ले भाई ओ भाई जा अब तो गंजे तेरा क्या होगा गंजे गया बचता ही नहीं है भाई कुछ भी नहीं कर सकता गंजे मंक मार 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 चोरी ना छोड़ भाग लगा एक शॉट और ये गया Finally, yo boy king. Yellow bro की ऐसी की तैसी. मार इसको साले को फैटी को. इसकी लिपो सर्जरी करें हम. नहीं पेट में दर्द हो रही है. And in time, you shall fall by their hands. वो भाग रहा है भागने नहीं देना साले को भाई क्या की ले फॉर माय सेल्फ ओ ये हम उस टेंपल के अंदर थे यार ओ भाई उसका पीछे का रास्ता था ये ओ भाई चार ये वही कोडू है और ये हमें तीसरा वो मिल गया इसका मतलब है रेलिक तीसरा हमें मिल गया मर जाएगा मुझे लग रहा है मरेगा मर गया I will not lose. भाग रहा है. If only I could wield that monkey's relic just once more. हट बे तुझे मैं बताऊँ relic. चल भाई बर्फ हो गया के अंदर. गया गया गया. वो कोई चीज़ है. वही वो जो चमक नहीं रही थी वो चीज़. ये उसी का खाना बनेगा मुझे लगता है. हैं? वो This rogue stole my seed sack and fled here. Fled. With Wukong's relic, he made it a soul-snatching vessel. He also took my look and my name to trick his old foes into vengeance. Oh, usne iski looks aur wo le li thi. I should have figured out it was you. Forgive my little deception. Stolen once, I buy it. Stolen twice, I doubt it. Your doubt is fair. I shouldn't have underestimated his nerve. I meant to subdue him myself, but you two were swifter. Fortune favors you, Bajie. But I see great potential in this war. असल में वो कोई और था जिसने इसका रूप ले लिया था okay, और इसका सैक भी ले लिया था वो असल में इसका असल में ये अच्छा ही था I don't care if Yellow Brow drowns in the lake. We can't have Wukong's relic sink with him. For that, pray, lend me that rake of yours. Lend me that rake of yours. Oh, वो कह रहा है उसका रेलिक नहीं साथ जाने दे सकते उसका रेलिक वापस चाहिए हमें तो वो कह रहे दे जरा ये अपना हथियार मुझे वो चेक कर फिशिंग रॉड बनाती है उसको रेलिक निकाल रहा है रेलिक वो मछली होगी ब्रो ये ये मछली है क्या है अच्छा ओ भाई जान ये कौन सी बुलडॉग मछली है अजीब चीज है भाई ये
वो बुलडॉग मछली होता गोल्ड फिश और बुलडॉग का मिक्सचर. ओ स्टोरी चल रही है, स्टोरी आ गई चैप्टर 3 की. चैप्टर 3 हमने जल्दी खत्म कर लिया पर सीक्रेट बॉसेस नहीं मारे अभी तक. ओहो हो कमाल यार क्या. ओ लोगों को पानी से ही मिला था कोई चीज. Oh, pearls. की हेल्प कर रहा है ना गांव वालों को. ये अजीब सी चीज मिली. अच्छा वो उनका खुदाई बन गया मतलब क्योंकि उनको हील कर रहा है, खूबसूरत बना रहा है, पैसे दे रहा है, पर्ल्स दे रहा है. उन्होंने उसका टेंपल बना के उसको पूजना शुरू कर दिया जो पानी से वो मिला था. ये चेक करो. असल में ये क्या कर रहा है वो चेक कर. उनको गोल्ड और वो दे रहा है, पर्ल्स दे रहा है और बदले में क्या कर रहा है. लालच दे रहे हैं सबको. क्या हो रहा है? ओके मारने लगा था. हाँ वो गया उसको मैं काट के निकालूंगा पर. ओ हाथी बन गया यार ये तो. लालच आ गई ना बंदे में. ओ पड़ी उसको मार दिया. तो लोगों को नजर आ गया कि हम भी काटेंगे तो पर्ल्स मिलेंगे. लोग पागल हो गए लालच से. उन्होंने कहा एक ही दफा मुर्गी हलाल करो. वो देख नोचने लग गया उसको. काटो पीटो सीन वो. पूरा आधा कर दिया बीच में. पर क्या था ये स्टोरी का मतलब क्या था? उसको मारने के बाद गांव फारिग हो गया. वो तो खंडर उसका वो पड़ा हुआ है स्केलेटन. पर गांव भी फारिग हो गया. You tarried in the mortal world for a good while, didn't you? Speak clearly. Once again, I proved it to you, Jinshanzu. You chose a means to an end, not to a proof. Oh. You sow chaos in hearts just for the sake of winning. How absurd and pathetic. सो ये बेसिकली ये वही है ये जो येलो ब्रो नहीं बना हुआ था. नॉट फॉर विनिंग ओवर मींस एंड एंड्स. ये उसने वैसे जिन चांजी जो था वो बिलीव करता था कंक्लूडेड चैप्टर 3 वो बिलीव करता था अच्छाई पे लोगों की
और वो उसको हराने के लिए गलत चीज पे प्रूव करता था कि तू देख मैं प्रूव करता हूँ तुझे कि इंसान अच्छे नहीं है। Stone Monkey merely named himself a sage. Your boy dared offer your faith is firm and will unwavering. You resisted his lures. All those who are all high and mighty found their minds lost and their faith stained. But was it but truly was it because of their devotion to Yellowbrow? As you braved ice and snow, did the stench of shattered ego reach your nose? So, वही बेसिकली उसकी ईगो इतनी थी न्यू रेलिक ऑब्टेंड ह्यूब्रिस नोस वही मछली मिल गया हमें और राइट ब्रो 63 लेवल हो गया हमारा नाइस नहीं कितना 4330 मिला है 64 होने वाला और ये क्या क्या चीजें मिली हैं भाई लेट्स गो ओके सो स्टोरी ये थी कि ये जो था इसको जितनों ने भी इसको माना ये जिसको येलो ब्रो के पीछे जितने भी गए वो सारे ग्रीड और लालच में फारिग हो गए राइट और वो खुद भी फारिग हो गया वो अपने आप को इतना बड़ा समझता था गोल्ड का बना लिया अपने आप को लालच देता था ना लोगों को जो अभी स्टोरी पीछे चली भी है वो इसी की थी येलो ब्रो ही था कि वो लोगों को लालच देकर ये सिर्फ जिन चांजी को ये दिखाना चाहता था कि भाई देख लोग जो हैं वो मतलबी और बुरे और वो ही होंगे लेकिन चांसी कहता है कि तूने ये काम करके सिर्फ अपना एंड डिसाइड किया है ये साबित नहीं किया कि लोग बुरे हैं क्योंकि ये सिर्फ चंद थे जिनको तूने लालच वगैरह दी और सिर्फ एक पॉइंट प्रूफ करने के लिए क्रेजी भाई आगे चलते हैं एग्जामिन फॉर हाफ ऑफ द वर्स ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ स्नो माउंटेन एस्सेस्टेड गेव हिज लाइफ सो अटेंड बुद्धा Such is the sole way to rise above all and build a faith. If those with talents should scorn the rules and do as they please, how then may all the realms enjoy peace and prosperity? Okay. यहाँ पे देखना क्या हो रहा है Anu of the North, Jade Emperor once ordered him to purge the world of evil. The turtle and the snake were his generals back then. Alas, the snake general can no longer join the ranks. And Anu is no more. Shah. यहाँ पे भी कुछ होगा. Yeah, wo not a soul can fathom his mind. ये हम आए हैं ना ये देख रहे हैं वुकोंग और हमने इसका बेड़ा गरक किया ओके सो नेक्स्ट चैप्टर पे चलकर सेव लोकेशन पे जाते हैं क्योंकि उससे पहले गेम एंड नहीं कर सकते चैप्टर 4 रोजी चीक्स ग्रे हेयर ओ भाई अब किस जगह पे जाने लगे आप स्नो भी हो गया ग्रीनरी भी होगी हैं ऑटम होगी हाँ स्नो भी हो गया ग्रीनरी भी हो गई और डेजर्ट भी हो गया चैप्टर 4 लेट्स गो यार दिस इज इजीली गेम ऑफ द ईयर पहले भी हम बोल चुके हैं ये इजीली गेम ऑफ द ईयर है भाई Hear me out. They say that hag has a quirk you is. Each season she'd wed a mate and devour him. Oh, ye kaun hai bhai? Once our lady brought her a wedding gift, a mirror, a past echo. Which? The past echo. The lady often speaks of it with regrets. I wonder why. Let me finish, will you? The hag got the mirror and looked into it, and for no reason at all, she threw it away. That soured our lady's mood. She stopped visiting since then. Gibbering and jabbering. Couldn't even catch a wink of sleep this whole time. What? Who's in there? How dare you spoil the gift from her own son? ये क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है ये? ओ वापस उधर ही ग्रीन उसी के साथ निकले हम
हम भी इधर ही हैं। हम इसके अंदर बंद तो नहीं हैं? नहीं, ये निकला है ना बीच में से। Place to find peace these days. वो वहाँ पे सो कह रहे हैं यार, आराम से सोने भी नहीं दिया हमें। साला किधर जा रहे? Lovely. Oh, ये कौन है? Why don't you come down and join us? Lovely. Okay, bye bye. वो हम भी निकले हैं भाई। Why the shyness? और ये हम कहाँ हैं? आई ये वापस green type area वापस ही आ गया। और क्या ही बात है भाई। अच्छा रेलिक्स में हमें ये मिला है और इससे क्या होगा? लिंगरिंग अरोमा। गेन अ मॉडरेट डैमेज बोनस फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर कास्टिंग अ स्पेल। फोकस पॉइंट्स कैन बी चार्ज्ड अप टू 4 विद इन द रिंग ऑफ फायर। अच्छा, मॉडरेटली एक्सटेंड्स डॉज इनविंसिबिलिटी ड्यूरेशन। आई थिंक ये अच्छा है, स्पेल यूज करने के बाद हमारा अटैक डैमेज बढ़ जाएगा। ओके एक पॉइंट भी मिल गया, पॉइंट भी आ गया। इसको तो रीसेट करना पड़ेगा ना। ये क्या है? ये क्या है? अपॉन डिफीटिंग एन एनिमी स्लाइटली इंक्रीजेस अटैक फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। दिस इफेक्ट कैन स्टैक अप टू 20 टाइम्स। अच्छा, क्राउड कंट्रोल कर सकते हैं। इनको भी हम रीसेट करके वापस लेके आएंगे, पर अभी सिर्फ पॉइंट ऐड कर देते हैं, सेव जगह पे चलते हैं और फिर ये बाद में सेट कर लेंगे। राइट, रांगजी विलेज में हम लोग एंटर कर चुके हैं और यहाँ हमारा चौथा रेलिक होगा। बिल्कुल, तीन रेलिक्स हमें मिल चुके हैं। यहाँ वाला विलेज नहीं है, सामने जाके देखते हैं। ओके, सेव नहीं है यहाँ कोई। ये कौन खड़ा है? वो भाई शिफू। क्या सीन है इसका? बंदरों को बुलाओ। चलो भाई आ जाओ बंदर, ढोल बजाएंगे हम। यार ये सारे पॉइजन डैमेज वाले मुझे लग रहा है, ये एरिया ही पॉइजन डैमेज वाले। यहाँ पे थंडर डैमेज वगैरह काम नहीं करेगी, हमें नया आर्मर वगैरह बनाना पड़ेगा जो पॉइजन रेजिस्टेंस देगा हमें। वो आगे देख सामने कौन खड़ा है। यहाँ पे कोई नई फिल्म ना पड़ जाए। वो देख, चल भाई ट्रांसफॉर्म कर ले या फीस कर ले। ये मर गया भाई, ये कीड़ा बीटल है। आग तो लग गई है। चल भाई ये तो गया, हजम हो गया। दूसरा कौन है? ये भी है। इधर चेस्ट पड़ी हुई है। Your eyes are sharp. I think you once lived here. अब कहाँ जाना है भाई? सेफ पॉइंट किधर है? Why the hell we can't have a safe point? ओ भाई जान, हर जगह से कीड़े आ कहाँ से रहे हैं? निकल भाई निकल, चाचा इधर ले गए उसको। You cross me here and my fake will cross you. अरे बड़ी, चलो ये भी गया। सेव पॉइंट ढूंढो, सेव पॉइंट ढूंढो भाई। यार कहीं वो गोल्डन नजर भी नहीं आ रहा ना कहीं पे। हां से आई थिंक राइट पे जाना पड़ेगा, आगे जाके आएगा। आगे तो मकड़ी का जाल है ब्रो। वो
देख ये कीड़े मकोड़े क्यों है भाई इधर, ये देख दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं। ओ फंसा दिया वो, देखो देख मान ये मर गए और ये किसी चेस्ट को गार्ड कर रहे थे। ओ सेंट्री हार्ट पिल मिल गया हमें, नॉट ऑफ वॉइडनेस भी मिल गया हमें। ओके यहाँ पे तो और कुछ भी नहीं है फ्रास, सर से यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा ना सामने, कहाँ से पीछे पीछे वहाँ से हम आए हैं, यहाँ से हम आए हैं। लेट्स सी सेफ पॉइंट यहीं आगे पीछे होना चाहिए, इतना आगे वो रखते नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट में ही रखते हैं। कहाँ से हम कहीं जा नहीं सकते, यहाँ से जा सकते हैं वो देख रहे हैं। Wide road ahead, an ambush open, sir. Oh, bhaijaan. इसका सर इतनी देर में फट जाना चाहिए जितनी जोर के पड़ी है। ओके वो देख छोटे कीड़े, अबे भाई इतने ज्यादा क्यों उन्होंने विलन्स दे दिए, मतलब बिल्कुल स्टार्ट में ही मौका तो दो भाई सेव कर लेगा। चलो भाई ये भी लिया, एब्जॉर्ब करते हैं। लेट्स सी से पॉइंट किधर है। व्हाई आर यू टचिंग मी ब्रो, बस करो यार। चेस्ट बहुत पड़ी है इधर लेकिन yes. अभी तक वो नहीं मिल रहा है यार, सेफ पॉइंट नहीं मिल रहा है और हम लोग सरवाइव बेयरली वी आर सरवाइविंग, सारा कुछ यूज कर चुके हैं, माना यूज कर गए, ये कौन है अब वो देखो। मेहरबानी यार कोई एक तो ऐसा मिला जो जल्दी मारी। ओ सेफ पॉइंट आ गया, फाइन।
Alright, I think I मारने दे भाई and he is gone. 36 Tian Gang forms and 72 oof that was difficult. आते साथ ही जो जगह में लिया. अच्छा ये क्या है? वेब्ड हॉलो स्टेट ऑफ जू एंड इट्स लाइक विलेज ऑफ लैंसी जिधर हम आए हैं राइट. और इनकी श्राइन देखो वहाँ पे भी कीड़े मकोड़े हैं. मतलब इस जगह पे जिस आइलैंड में हम आए हैं यहाँ पे अजीबो गरीब कीड़े मकोड़े वगैरह हैं और यूजली पॉइजन वाले हैं लोग. yes. तो हमें पॉइजन डैमेज वाला आर्मर लाजमी चाहिए होगा. जल्दी से देख लेते हैं हम आर्मर क्राफ्ट भी कर सकते हैं. ओ ये क्या है? फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन आफ्टर परफॉर्मिंग अ स्पिरिट स्किल और यूजिंग अ वेसल कंसिडरेबली इंक्रीजेज अटैक अपॉन क्रिटिकल हिट एंड डिफीट्स ग्रांट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ची. ओके ओ ये आर्मर चेक है वही है. और अभी तक यही आर्मर हमें मिला है जो पिछले वालों से ज़्यादा पावरफुल है लेकिन इसमें पॉइजन डैमेज वगैरह तो नहीं है राइट. और हम इसमें आर्मर को अपग्रेड भी नहीं कर सकते. बस वो बन जाता है उसके बाद आप उसको अपग्रेड वगैरह नहीं कर सकते. सो आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है बट आई थिंक वी गोना एंड दिस एपिसोड राइट हियर. बहुत ज़्यादा आगे निकल आए हैं. चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया. 3 रेलिक्स हो गए हैं लेकिन अगली एपिसोड में इसके बाद हम पहले चैप्टर 3 के सारे बॉसेस वगैरह ढूंढ कर उनको ख़त्म करने वाले हैं. एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस सीरीज बिकॉज वी आर लविंग द सीरीज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को पता है क्या करना है. जल्दी से यार सब्सक्राइब का बटन दबाओ, लाइक का बटन दबाओ, बेल आइकन का बटन दबाओ एंड कॉमेंट डाउन बिलो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वी विल सी यू अगैन विद अनदर लाइव स्ट्रीम और गेम प्ले वॉक थ्रूज और गेम प्ले ट्रेलर रिएक्शंस. टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखो, हमें दुआ में याद रखो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.